हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके भाई और राज में। दोस्तों और साथ साथ में यूरोप महाद्वीप के पार्ट फोर में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पार्ट वन देख चुके हैं, पार्ट टू भी देख चुके हैं, पार्ट थ्री भी देख चुके हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप तीनों पार्टों देख सकते हैं दोस्तों। और आज पार्ट टू फोर में दोस्तों हम रूस देश के बारे में जानेंगे, पार्ट थ्री में हम फ्रांस देश, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी देश के बारे में जान चुके थे, और आज हम रूस देश के बारे में जानेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अक्सर इनके क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर के साथ वीडियो शुरू करते हैं। रूस देश के बारे में पहले जानेंगे दोस्तों। रूस देश दो महाद्वीपों में विस्तृत है। क्या है? दो महाद्वीपों में है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है दोस्तों। रूस देश इसका अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों। रूस देश का अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में है। यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर, ये सभी यूरोपीय रूस से और एशियाई रूस से अलग करते हैं दोस्तों रूस को। किससे? यूरोपीय रूस से अलग करते हैं रूस को और एशियाई रूस से अलग करते हैं दोस्तों यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर रूस को। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मॉस्को दोस्तों, ये मस्कवा नदी के किनारे है, मस्कवा नदी के किनारे पर है दोस्तों मॉस्को। मॉस्को में रूसी संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है। क्या है? रूसी संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है दोस्तों मॉस्को। और जो मॉस्को है ये रूस देश की राजधानी है। क्या है? रूस देश की राजधानी है दोस्तों मॉस्को। दोस्तों पांच सागरों का पतन है। क्या है? पांच सागरों का पतन है ये दोस्तों मॉस्को। कैस्पियन सागर है, काला सागर, बाल्टिक सागर, स्वेज सागर और लडोगा झील, ये सभी पांच सागरों का पतन है दोस्तों। और मॉस्को जो है ये राजधानी है रूस देश की, रूसी संस्कृति सभ्यता का केंद्र है। और आगे चलते हैं, समझ में तो आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, छह औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है। क्या है दोस्तों? छह औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है दोस्तों मॉस्को। छह औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों रूस देश को। कितने औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है? छह। कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है वो देख लेते हैं। मॉस्को, वोल्गा, यूराल और कुजनेर बेसिन, बेकाल झील और सुदूर पूर्व औद्योगिक केंद्र, इन सभी में बांटा औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों रूस को। कितने भागों में? छह औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे दोस्तों, जो मॉस्को है इसमें मॉस्को सेंट्रल औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? सेंट्रल औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों मॉस्को। मॉस्को में एक जगह निजनी नौकरा है, निजनी नौकरा को रूस का डेट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस का डेट्राइट कहते हैं दोस्तों निजनी नौकरा को दोस्तों, जो कि निजनी नौकरा है ये मॉस्को में है। और जो मॉस्को है सेंट्रल औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों। दो मार्गो में विस्तृत है, अधिकांश भाग यूरोप में है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, यूरोपीय रूस और एशिया रूस से अलग करते हैं मॉस्को। ये रूस की राजधानी है, मस्कवा नदी किनारे पर है, रूसी संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है, पांच सौ पतन है, छह औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों मॉस्को, वोल्गा, यूराल, कुजनेर बेसिन, बेकाल झील, सुदूर पूर्व औद्योगिक केंद्र मॉस्को, ये सेंट्रल औद्योगिक क्षेत्र है, निजनी नौकरा है रूस का डेट्राइट कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? अब दोस्तों रूस के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अब दोस्तों रूस देश के बारे में आगे जानकारी। तुला दोस्तों, तुला ये रूस का पिट्सबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस का पिट्सबर्ग कहते हैं दोस्तों तुला को। ये रूस में एक जगह तुला, उसको क्या कहते हैं? रूस का पिट्सबर्ग कहते हैं। अगला है इवानोवा। इवानोवा को दोस्तों रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों इवानोवा को। एक डी मर्ग गोदोक ये विज्ञान नगर है। क्या है? विज्ञान नगर है दोस्तों रूस में एक डी मर्ग गोदोक। और तुला रूस का पिट्सबर्ग, इवानोवा रूस का मैनचेस्टर,
एक डी मर्गोदोक ये विज्ञान नगर है तो रूस में। ये थी हमारे रूस देश के बारे में जानकारी। अब अन्य जानकारी देख लेते हैं। मैन मैन एमराल्ड द्वीप दोस्तों, एमराल्ड द्वीप दोस्तों ये एमराल्ड द्वीप दोस्तों आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड है। कौन कौन क्या क्या बसे हुए हैं तो एमराल्ड द्वीप पर आयरिश गणराज्य है और उत्तरी आयरलैंड स्थित है। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड दोस्तों। एमराल्ड द्वीप पर घासों की अधिकता है दोस्तों। क्या है? घासों की अधिकता है दोस्तों एमराल्ड द्वीप पर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वोल्वो बसे ये स्वीडन में इसका निर्माण होता है दोस्तों। बसे बसे तो देखी होगी दोस्तों, परंतु वोल्वो बसे नहीं देखी होगी आपने। कैसे ना कैसे देख लोगी। वोल्वो बसे ये स्वीडन में है दोस्तों। स्वीडन में एक निर्माण होता है वोल्वो सोकर। जो वोल्वो बसे हैं ये जगत प्रसिद्ध, मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों वोल्वो बसे बसे। आगे है शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान को दोस्तों हंगरी में पुस्टाज कहते हैं। क्या कहते हैं? हंगरी में पुस्टाज कहते हैं दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदानों को। हंगरी में क्या कहते हैं? पुस्टाज। और यूक्रेन, यूक्रेन में कहते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं? यूक्रेन दोस्तों, यूक्रेन में कहते हैं दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपी। और हंगरी में पुस्टा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न। और स्विट्जरलैंड ये के चारों ओर आल्पस पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? आल्पस पर्वत है दोस्तों स्विट्जरलैंड के चारों ओर, जिसकी स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। आगे है स्टेपी क्षेत्र। स्टेपी क्षेत्र में गेहूं उत्पादक होता है। क्या होता है? स्टेपी क्षेत्र में गेहूं उत्पादक होता है दोस्तों। सर्वाधिक गेहूं स्टेपी क्षेत्र में होता है। इसे अन्न भंडार भी कहते हैं। विश्व का अन्न भंडार है भी कहते हैं। विश्व का अन्न भंडार है दोस्तों स्टेपी क्षेत्र। स्टेपी क्षेत्र को रोटी की डलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटी की डलिया भी कहते हैं। मतलब गेहूं ज्यादा होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? रोटी डलिया कहते हैं। और विश्व का अन्न का भंडार कहते हैं। समझ में तो आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम ये लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है दोस्तों। और ये विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है दोस्तों ब्रिटिश म्यूजियम दोस्तों, जो कि लंदन में है। आगे है सिसिली, सिसिली एटना स्ट्रामबोली। क्या है? सिसिली एटना और स्ट्रामबोली ये इटली में है। क्या कहाँ है? इटली में है दोस्तों सिसिली एटना स्ट्रामबोली। ये तीनों क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों सिसिली एटना स्ट्रामबोली, जो कि इटली देश में है दोस्तों। समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तुला रूस का पिट्सबर्ग, इवानोवा रूस का मैनचेस्टर, एक मर्गोदा विज्ञान क्षेत्र। अन्य में है दोस्तों, अब अन्य मतलब पूरे महाद्वीप के बारे में बताया गया है दोस्तों। अन्य में ये रूस इतना था रूस के बारे में, वो पहले देख चुके थे। अब जो अन्य में है ये पूरा वो पूरे महाद्वीप के बारे, पूरे महाद्वीप के अंदर से है दोस्तों। इमराल द्वीप आयरिश गणराज्य है। इसमें तो आयरलैंड है, घासों के देखता है। वोल्गा बसे स्वीडन का निर्माण होता है। जगत प्रसिद्ध है सूत्र घास के मैदान पुस्टा, जो करीब स्टेप कहते हैं। स्विट्जरलैंड के रहते हैं बर्न है। स्टेप क्षेत्र गेहूं ज्यादा होता है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। सिसिली एटना स्ट्रामबोली बोलिए सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, जो कि इटली में है। कौन कौन सी? सिसिली एटना स्ट्रामबोली ये इटली में है दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अब दोस्तों आगे गोटा नहर। गोटा नहर वेटन झील और बाल्टिक सागर को जोड़ती है दोस्तों। क्या दोस्तों? अन्य में दोस्त देख रहे हैं हम। गोटा नहर वेटन झील और बाल्टिक सागर को जोड़ती है दोस्तों गोटा नहर। आगे है जिनेवा और जूरा। जिनेवा और जूरा दोस्तों ये दोनों स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। जिनेवा और जूरा दोनों ये जिनेवा और जूरा दोनों दोस्तों ये विश्व में सुंदर घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? घड़ियों, घड़ी देखी होगी आपने दोस्तों। घड़ी उसके लिए विश्व की सबसे सुंदर घड़ियों के बनाती बनती दोस्तों, इसलिए जिनेवा और जूरा दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध है सुंदर घड़ियों के लिए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। बेरेलेक्स, बेरेलेक्स
बेलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, ये तीनों मिलकर बेरेलक्स बनता है। यह बनता है बेरेलक्स, बेरेलक्स बनता है दोस्तों, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग को मिलकर बेरेलक्स बनता है। आगे है आइबेरिया, आइबेरिया स्पेन और पुर्तगाल को मिलकर बनता है। क्या है आइबेरिया दोस्तों? स्पेन और पुर्तगाल को मिलकर बनता है आइबेरिया। आगे है दोस्तों इटली, इटली इटली दोस्तों विश्व में फर्स्ट है जैतून उत्पादन करने, जैतून का उत्पादन करने में दोस्तों फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों जैतून, प्रथम है दोस्तों जैतून उत्पादन करने में विश्व में इटली। अगला है इटली विश्व में सेकंड नंबर पर है अंगूर का उत्पादन करने में। क्या है अंगूर का उत्पादन करने में? इटली सेकंड नंबर पर है विश्व में। आगे है नीदरलैंड, नीदरलैंड ट्यूलिप फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नीदरलैंड दोस्तों ट्यूलिप खेतों की, ट्यूलिप फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है नीदरलैंड। आगे है लोम्बार्डी, लोम्बार्डी दोस्तों ये इटली में है। कहाँ है? इटली में है दोस्तों लोम्बार्डी, और यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक चावल होता है। क्या होता है? यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक चावल होता है दोस्तों लोम्बार्डी में दोस्तों, जो कि इटली में है। आगे हंगरी, हंगरी गेहूं का स्टोर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं का स्टोर हाउस कहते हैं दोस्तों हंगरी को, गेहूं का स्टोर हाउस। नॉर्वे फ्योई फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं दोस्तों नॉर्वे को और हंगरी को, गेहूं का स्टोर हाउस। और लोम्बार्डी इटली में सर्वाधिक चावल। नीदरलैंड ट्यूलिप फूलों की खेती, इंग्लैंड जैतून उत्पादन करने फर्स्ट, आइबेरिया स्पेन और पुर्तगाल को मिलकर, बेलक्स बेल्जियम नीदरलैंड लक्जमबर्ग को मिलकर, और जिनेवा और जूरा सुंदर घाटियों के लिए प्रसिद्ध, गोटा नहर ब्रेटन झील और बाल्टी सागर को जोड़ती है दोस्तों। अब दोस्तों आगे अंडोरा देश, अंडोरा देश स्पेन और फ्रांस के बीच में है। मतलब दोस्तों कि जो स्पेन देश है और जो फ्रांस देश का देश है उसकी दोनों की सीमा पर है दोस्तों अंडोरा देश, स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है दोस्तों अंडोरा देश। और स्पेन और फ्रांस के बीच में पूर्वी पेरिनीज की खाड़ी में है। कहा है? पूर्वी पेरिनीज की खाड़ी में है दोस्तों अंडोरा देश। समझ में आ गया? आगे चलते हैं वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी दोस्तों ये रोम नगर के सीमा क्षेत्र में, क्या है? रोम नगर के सीमा क्षेत्र में है दोस्तों वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को वेटिकन महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटिकन सिटी को वेटिकन महल भी कहते हैं दोस्तों। जो वेटिकन सिटी दोस्तों एक तरफ का महल है, महल है दोस्तों, उसी को देश घोषित कर रखा है। महल तो देखा ही होगा आपने, वैसे ही जो वेटिकन सिटी एक तरफ का महल है उसी को देश घोषित कर रखा है, इसलिए ये विश्व का सबसे छोटा देश है। क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो वह है वेटिकन सिटी, क्योंकि ये एक तरफ का महल ही है दोस्तों, इसी को देश घोषित कर रखा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा ईसाई चर्च भी दोस्तों वेटिकन सिटी में है। कहाँ है? विश्व का सॉरी विश्व का सबसे बड़ा ईसाई चर्च दोस्तों वेटिकन सिटी में ही है। आगे चलते हैं मोनाको, मोनाको भूमध्य सागर में है। कहाँ है? भूमध्य सागर में है दोस्तों मोनाको। दोस्तों जहाँ जो मोनाको है ये भूमध्य सागर में है, और मोनाको में एकमात्र फसल उगाई जाती है, कौन सी? गन्ना। दोस्तों जो मोनाको है यहाँ पर एकमात्र फसल होती है दोस्तों गन्ना। कौन सी फसल होती है? गन्ना फसल होती है दोस्तों एकमात्र, और कोई सी फसल नहीं होती दोस्तों, एक फसल होती है वह है गन्ना। आगे है मेरी तथा की खाड़ी, मेरी तथा खाड़ी दोस्तों गुलाब के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? मेरी तथा खाड़ी दोस्तों ये गुलाब के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आगे दोस्तों? आगे चलते हैं आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। क्या है?
रेक्जाविक है दोस्तों, आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक दोस्तों, जो राजधानी रेक्जाविक ये विश्व की उत्तरतम राजधानी है। क्या है? उत्तरतम राजधानी है दोस्तों, आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक है। जो रेक्जाविक है राजधानी आइसलैंड की, ये विश्व की उत्तरतम राजधानी है, मतलब सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है दोस्तों रेक्जाविक। किसकी राजधानी है? आइसलैंड की। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में दोस्तों आइसलैंड कहाँ है? जो आइसलैंड है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, एंडोरा स्पेन और फ्रांस के बीच में है, पूर्वी पेरिनीज की खाड़ी में है, वेटिकन सिटी रोम नगर की सीमा पर है, वेटिकन महलों कहते हैं, सबसे छोटा देश है, भूमध्य सागर में है, मेडिटेरेनियन खाड़ी लोगों के लिए प्रसिद्ध है, आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक है, ये उत्तरतम राजधानी है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी अन्य जानकारी दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बार बार रिवाइज करिए, बार बार वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छे से और पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। और जो हमारा आज का वीडियो है वह यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जो हमारा यूरोप महाद्वीप चल रहा था वो यहाँ आज यहाँ खत्म हो रहा है दोस्तों। कल से हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, तो दोस्तों कल का वीडियो देखना नहीं भूलना। अगर जो हमारा आज का वीडियो है आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखो और आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मजे में रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।